दोस्तों नमस्कार। लोकसभा में दो बिल पास हुए, पहला बिल मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट और दूसरा बिल जो आरटीआई में संशोधन किया गया है। दोनों ही बिलों की चर्चा बड़े जोरदार तरीके से हो रही है, जिसमें आरटीआई के बिल में जो संशोधन किया गया उसके ऊपर जोरदार चर्चा हो रही है। लेकिन यहाँ पे सीधी सी एक छोटी सी बात कहना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से सरकार गोदी मीडिया को कब्जे में करके, यानी कि मीडिया जो गोदी मीडिया न्यूज़ चैनल्स बन चुके हैं आज के डेट में, तो ये दिन तो आना ही था, ये तय था, क्योंकि गोदी मीडिया वही परोसती है जो सरकार के फेवर में हो, उनके पक्ष में हो, जो आम जनता के पास, जो जागरूक जनता थे भारत के, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती थी वो आरटीआई के मार्फत पहुंचती थी। तो ये तो होना ही था। और बहुत सरल भाषा में इसको अगर आपको समझना है तो सिर्फ इतना जान लीजिए कि आरटीआई के जो सूचना आयुक्त है या मुख्य सूचना आयुक्त है, अब वो सरकार के अधीन काम करेंगे, यानी कि सरकार की मर्जी होगी उनकी तनख्वाह कितनी रखनी है, सरकार की मर्जी है कि उनको कितने दिन काम करने देना है, सरकार की मर्जी है कि कब तक उनको रखेंगे। यानी कि बहुत ही चालाकी से आरटीआई की जो एक हम लोगों का एक भारतीय लोगों का हथियार था, जिसके तहत सूचना प्राप्त करके और एक आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी सोशल मीडिया के ही थ्रू, वो अब उसको भी सरकार बहुत ही चालाकी से अपने कब्जे में कर लिया है। यानी कि अगर आप अब आप प्रधानमंत्री का शैक्षणिक योग्यता पूछ सकते हैं, जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पता नहीं। अब आप पता कर सकते हैं कि सरकारी यात्राओं में कितना खर्च किया गया, शायद आपको जवाब ना मिले। अब खैर बात आज इसकी नहीं, जिस तरह से मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ और उसके अंदर में जो बहुत ही खूबसूरती से फाइंस के ऊपर हर न्यूज चैनल्स आपको चला रहे हैं कि ये फाइन अगर 1000 रुपये था मोबाइल पे बात करने का तो वो 5000 हो गया, ये आपका सीट बेल्ट का फाइन अब 5 गुना लगेगा, बहुत सारी बातें उसमें हो रही है। लेकिन मेन जो चीजें फोकस की जा रही है, जो आप तक पहुंचाई जा रही है कि अब आपका फाइन बहुत ज्यादा हो गया, आपको संभाल के चलाने की जरूरत है। लेकिन उसी मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में जिस तरह से कॉरपोरेट यानी कि ओला उबर को एक कानूनी अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई है, इसकी बात शायद कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि पहली बार एग्रीगेटर वर्ड को उस मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया है और इन कंपनियों को यानी कि जो कैब एग्रीगेटर है उनको कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की गई है उसके अंदर में, जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। यानी कि जिस तरह से बाजार बिकती जा रही है और बाजार को बेचा जा रहा है, जो अपना स्वरोजगार कर रहे थे, अगर आंकड़े की बात करें तो 51% भारतीय जनता अपना किसी ना किसी तरह से स्वरोजगार करते हैं और उनके स्वरोजगार में सेंध लगा के अब कॉरपोरेट को बिठाया जा रहा है। यहां पे एक छोटी सी बात कर दूं कि सोनभद्र की जो घटना हुई है, अगर सोनभद्र का आप अच्छे से विश्लेषण कर सकते हैं, नेट पे अवेलेबल है, सोनभद्र को एनर्जी कैपिटल कहा जा सकता है। लेकिन वहां पे जितने भी कॉरपोरेट या इंडस्ट्री चल रहे हैं, वहां पे किस तरह से मजदूरों का शोषण होता है, यानी कि जो जितना छोटा जगह है और अगर वहां पे खनिज पदार्थ की बहुतायत है तो वहां पे वो अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री लगा के और फिर मजदूरों का शोषण शुरू होता है। आप फर्दर डिटेल नेट पे देख सकते हैं, क्योंकि बात आज यहां पे मैं कर रहा हूं मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट की, जिसके अंदर में बड़ी खूबसूरती से आपका जो टैक्सी बाजार वगैरह है इसको कॉर्पोरेट के हवाले किया जा रहा है। लेकिन सामने जो आपके परोसा जा रहा है वो है कि देखिए कितना फाइन बढ़ गया है। इसकी वजह बताई जा रही है क्योंकि भारत एक्सीडेंट के मामला में नंबर 1 है विश्व में, वहीं पे विश्व के 20 प्रदूषित शहर, सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर जो है उसमें से 15 शहर भारत में है, जिसमें गाजियाबाद और गुड़गांव टॉप पे है। एक्सीडेंट के मामले में भारत नंबर 1 है। इन सब चीजों का हवाला देते हुए और जिस तरह से मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट को एक अमली जामा पहनाया गया और किस तरह से सिर्फ आपका जो फोकस हो वो फाइन के ऊपर हो, लेकिन उसके पीछे जो कारस्तानी चली है उसमें यह शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया है, और जिसने ध्यान भी दिया तो गोदी मीडिया तो आपको बताएगी नहीं। सबसे पहले एक आंकड़े की बात करते हैं कि सरकार को हर लोग टैक्स देते हैं, हर चीज पे टैक्स देते हैं ताकि सरकार हमें अच्छी सुविधाएं दे,
लेकिन वहीं पे फाइन तो 5 गुना कर दिया गया आप पे, लेकिन सरकार की जरा इन आंकड़ों को आप देखिए। मार्च 2018 की आंकड़ा है, बैंगलोर में 73 लाख गाड़ियां हैं, ट्रैफिक पुलिस वहां पे 3400 है, जबकि सैंक्शन ट्रैफिक पुलिस वहां पे 5200 होना चाहिए था, यानी कि एक ट्रैफिक पुलिस के ऊपर में 2134 गाड़ियां आती है, यानी कि एक ट्रैफिक पुलिस 2134 गाड़ियों को देखता है। वहीं कोलकाता में एक ट्रैफिक पुलिस 421 गाड़ियों को देखता है, तकरीबन 16 लाख गाड़ियां कोलकाता में है। दिल्ली के अंदर में यही आप बात करेंगे, दिल्ली के अंदर में 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां हैं, यानी कि एक ट्रैफिक पुलिस 1773 गाड़ियों पे एक ट्रैफिक पुलिस है। वहीं अगर चेन्नई की बात करें तो तकरीबन 54 लाख वहां पे गाड़ियां हैं और एक ट्रैफिक पुलिस वहां पे 1524 गाड़ियों को देखता है। हैदराबाद की बात करें तो 29 लाख गाड़ियां हैं और वहां पे एक ट्रैफिक पुलिस 1126 गाड़ियों को देखता है। वहीं अगर हम मुंबई की बात करें तो तकरीबन 31 लाख वहां पे गाड़ियां हैं और एक ट्रैफिक पुलिस तकरीबन 877 गाड़ियों को देखता है। अब जो ये मैंने आपको संख्या बताई है, इस संख्या में आप एक चीज और जोड़ सकते हैं कि इसमें कितने एब्सेंट रहते हैं, कितने वीआईपी ड्यूटी पे रहते हैं। तो एब्सेंट को छोड़ देंगे तो कई रोज तो ये डबल कर लीजिएगा कि एक ट्रैफिक पुलिस के ऊपर में 2000 गाड़ियां एक ट्रैफिक पुलिस देखता है। कई बार आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस किस कंडीशन में काम कर रही है, 45 डिग्री टेम्परेचर में खड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं उनके साथ भी। खैर बात इसकी नहीं है। अब आप बताइए कि सरकार अपनी जहां पे एडिक्वेट एक ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए था हर शहर में, वो नहीं है। उसको कई बार कहते हैं कि डिजिटल मार्फत से कैमरे से चलान आपके घर पे आता है, कैमरा से आपको पनिशमेंट दिया जाता है, उससे काम लिया जा रहा है, लेकिन एडुकेट पुलिस भर्ती करने के लिए, पद जो खाली है उसको भर्ती करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1 लाख करोड़ रुपए का चुनाव लड़ने के लिए पैसा होता है देश में पॉलिटिकल पार्टीज के पास में, लेकिन सरकार के खजाने में कितने सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं उनको भरने के लिए पैसा नहीं है। बैंगलोर के अंदर में अभी ये खुलासा हुआ कि बैंगलोर में जब उबर आई थी तो तात्कालीन सीईओ ने, यानी कि ट्रेविस ने वहां पे कहा था कि हम आपके शहर में ट्रैफिक कंजेशन को कम कर देंगे, बहुत सारी उन्होंने वादे किए थे, शेयर और पूल के सर्विस के द्वारा हम इसको कम कर देंगे। वहीं पे एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी बैंगलोर में बद से बदतर हाल हो गया है ट्रैफिक का। वहीं पे बैंगलोर में कैब की संख्या जो 2014-15 में 80,000 के करीब थी, वो 1,70,000 हो गई 2018-19 में आके, यानी कि डबल हो गई। तो कंजेशन इनकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ा, यानी कि कैब एग्रीगेटर की वजह से, लेकिन इनके ऊपर ना कोई फाइन ना कोई जुर्माना, लेकिन वहीं आम जनता के ऊपर अब फाइन 5 गुना। शहर को सबसे ज्यादा कंजेशन करने में जिस तरह से कैब एग्रीगेटर्स का हाथ रहा और जिस तरह से मैनिपुलेट करके इन्होंने जो बेरोजगार थे उन्हें एक तरह से बेवकूफ बनाया गया, और आज के डेट में वो किस तरह से परेशान है। दूसरी बात, कैब एग्रीगेटर के ऊपर किस तरह से ड्राइवर्स आत्महत्या कर रहे हैं, पूरे विश्व में इसका आंकड़ा है, किस तरह से शहर दर शहर बर्बाद किया है इन्होंने। यहाँ पे वो कहते हैं कि ये कैब एग्रीगेटर अपना आंकड़ा शेयर नहीं करते हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई सर्वे नहीं हुआ है। आखिर ये आंकड़ा शेयर क्यों नहीं करते हैं? इनकी वजह से शहर दर शहर में गाड़ियों की संख्या कितनी बढ़ी। एक तरफ तो सरकार प्राइवेट व्हीकल को कम करने के लिए कवायद कर रही है, दूसरी तरफ कैब एग्रीगेटर को छूट दे रही है कि आप कितनी भी गाड़ी रजिस्टर्ड कीजिए, और जिस तरह से कैब एग्रीगेटर मार्केट में मैनिपुलेटिव विज्ञापन देकर के, यानी कि झूठा विज्ञापन देकर के लोगों को फंसाया है, और जिस वजह से लोगों ने आत्महत्या तक करी है, हर शहर में कंजेशन कितना गुना बढ़ गया, इसकी आंकड़ा इनके ये देते नहीं है। वहीं पे बैंगलोर में ऑफिशियल्स का कहना है कि ये अपना आंकड़ा शेयर नहीं करते, आखिर सर्वे लोग कैसे करेगा? कैब एग्रीगेटर तो अपना आंकड़ा शेयर नहीं करते। वहीं पे इन कैब एग्रीगेटर्स की वजह से शहर दर शहर कैसे बर्बाद हुआ है, पॉल्यूशन से जितने मौतें हो रही हैं, पॉल्यूशन शहर दर शहर किस तरह से बढ़ा है, उसमें इनका कितना योगदान रहा है, इनकी कैब की संख्या कितनी शहर दर शहर है, इस आंकड़ों को कभी शेयर नहीं करते। इनकी बिजनेस पॉलिसी की वजह से कितने ड्राइवर की डेथ हुई है, इनके बिजनेस पॉलिसी की वजह से कितने ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ, इन आंकड़ों को कभी ये कंपनियां शेयर नहीं करती है। तो आखिर शेयर क्यों नहीं करती है? वहीं पर सरकार 5 गुना 6 गुना फाइन दिखा के और लोगों का ध्यान फाइन पर है, लेकिन उसी मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में एग्रीगेटर को किस तरह से पीछे से घुसाया जा रहा है, यानी कि मार्केट पे कब्जा एग्रीगेटर का हो, क्योंकि ये भी एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर था टैक्सी मार्केट, इस बाजार को लूटने के लिए, और जिस तादाद में भारतीय बाजार बड़ा है टैक्सी के मामले में और लोग डिपेंडेंट है, जिनको कुछ नहीं करने आता था वो सरकार के पास जाके हाय हाय नहीं करते थे, वो टैक्सी या ऑटो लेके चलाना शुरू कर देते थे, आज उसी बाजार को इन कैब एग्रीगेटर ने सरकार की मदद से कह सकते कि इस तरह से कब्जा कर लिया है और एक लूट का बाजार बना रखा है। जिस तरह से सवारियां को भी अब ये लूट रहे हैं, जिस तरह से ड्राइवर्स को तो लूट ही रहे थे, लेकिन आने वाले वक्त में
जिस तरह से बाजार को बेचा जा रहा है, ऐसा लगता है कि इसका अंत यहां होगा कि आपके मोहल्ले में सिर्फ चार राशन की दुकानें होंगी ए बी सी की, उस मोहल्ले में पांचवा राशन का दुकान कोई नहीं खोल सकता क्योंकि वो सरकार के चहेते होंगे। लगता है कि कुछ इस तरह से बाजार को किया जा रहा है कि हर सेगमेंट को एक एक पर्टिकुलर कंपनी को बेचा जा रहा है कि आप यहां पर काम कीजिए, आप यहां पर काम कीजिए, क्योंकि इसकी सबसे ताजा उदाहरण तो ये कैब एग्रीगेटर्स है। जिस तरह से ओला उबर भारत में चल रही है और बिलियंस ऑफ डॉलर का फाइनेंस हो रहा है इनको, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइनेंस हो रहा है, लेकिन कोई तीसरी कंपनी इसमें बड़ी कंपनी नहीं आती क्योंकि सबको जैसे लगता है कि फिक्स कर दिया गया है कि आप ये बाजार देखो, आप ये बाजार देखो, यानी कि कॉरपोरेट को सरकार ने चूज कर लिया है कि आप ये बाजार में आपके आप में ये नहीं घुसेगा, आप पे ये नहीं घुसेगा। दोस्तों आने वाले वक्त में क्या दिन होगा यहाँ पे ये तो कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से आरटीआई के ऊपर अब अंकुश लगाया गया, न्यूज़ तो पहले से ही गोदी मीडिया बन चुकी है, तथाकथित गोदी मीडिया जो न्यूज़ चैनल्स है वो आप तक इन्फॉर्मेशन सच्ची तो भेजेगी नहीं, आरटीआई पे भी जिस तरह से हमला किया गया है एक तरीके से उसको अपने कब्जे में लेने का, तो आने वाले वक्त में हम गूंगे बहरे और अंधे होके बैठे रहेंगे और सरकार अपनी तरह से काम करती रहेगी और हम तक कोई खबर भी शायद नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आप लोग लगे रहिए और करते रहिए व्हाट्सएप और पढ़ते रहिए गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच।